लालू और नीतीश कुमार के बीच क्या फिर होने वाली है दुश्मनी? नीतीश ने दिया इशारा, बिहार की राजनीति में फिर बढ़ गई है हलचल। एक बाहुबली के चक्कर में गिरेगी सरकार, तेजस्वी करेंगे खेला। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब एक बाहुबली की वजह से नया तूफान आ गया है। कुछ ऐसा हुआ है कि बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर बिहार की सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार जिस बाहुबली से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, यहां तक कि उसे जेल तक पहुंचा दिया, उसी को लालू तेजस्वी ने पनाह दी है। वैसे भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर हमेशा जंगल राज का आरोप लग रहा है, लेकिन जो इस बार हुआ है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तेजस्वी यादव की उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे करीब 4 महीने हुए हैं, लेकिन अब लगता है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की कुर्सी एक साथ चली जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो बाहुबली कौन है जो जेल में बंद है, लेकिन उसकी वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं। बिहार के मोकामा विधानसभा सीट के उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट से उम्मीदवार हैं। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार के बाहुबली अनंत सिंह के साथ रिश्ते बहुत खराब हैं। अनंत सिंह अभी जेल में बंद हैं, लेकिन वहीं से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। कहा जाता है कि आपसी दुश्मनी की वजह से ही नीतीश कुमार ने ही अनंत सिंह को जेल में बंद करवाया, लेकिन नीतीश कुमार ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि अपने ही दुश्मन के लिए कभी वोट मांगने पड़ेंगे। कहा जाता है कि बाहुबली अनंत सिंह से लालू प्रसाद यादव बहुत खुश हैं। यही वजह है कि जब वो जेल में बंद हुए तो आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट देकर चुनाव में उतार दिया। लालू यादव और तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार पहले मोकामा जाने के लिए तैयार थे, लेकिन दोपहर होते होते अपना मन बदल लिया। मीडिया से बहाना बताते हुए कहा कि हमें चोट लगी है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी दुश्मनी नहीं भूल पा रहे हैं। उधर पूरे चुनाव पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोकामा में कैंप करते रहे और अनंत सिंह के लिए वोट मांगा। एक समय ललन सिंह और अनंत सिंह की दुश्मनी भी काफी सुर्खियों में हुआ करती थी। ललन सिंह ने नीलम देवी के पक्ष में कैंपेन किया, लोगों से वोट मांगे। यही ललन सिंह 2019 में नीलम देवी को हराने के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन वक्त का पहिया देखिए, लालू और तेजस्वी से हाथ मिलाने के बाद ललन सिंह बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जिताने के लिए प्रचार करने लगे। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देने से भी मना किया था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने। उसके बाद नीतीश कुमार को नीलम के लिए प्रचार करने को भी कहा था, लेकिन नीतीश ने मना कर दिया। लेकिन अपनी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार मोकामा में प्रचार करने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन अनंत ने खुद को बीमार का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। इन सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के लिए महागठबंधन के नेता मैदान में उतरे। नीतीश कुमार पहले प्रचार के लिए तैयार थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने प्रचार के लिए मना कर दिया। सूत्र बताते हैं कि लालू और नीतीश की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि महागठबंधन टूट भी सकता है, लेकिन ये सब कुछ उपचुनाव के नतीजों पर भी निर्भर करेगा कि जनता का सबसे ज्यादा किसको साथ मिलेगा।